क्लास वन कहाँ लिखा? क्लास वन हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग? परवेश शर्मा नमस्ते, वीजी तवर हेलो, गुड इवनिंग, आरती गुड इवनिंग, परवेश शर्मा बिल्कुल भाई बढ़िया, तुम सुनाओ? अनुज धीरान नमस्ते भाई, अनुज नमस्ते, अंशु कुमार गुड इवनिंग भाई, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी शेयर करो। प्रणव धीरान गुड इवनिंग, कोमल गुड इवनिंग, मेघा सहरावत जी गुड इवनिंग, कैसे हो? चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक टाइम एंड वर्क। क्या स्टार्ट करना है? टाइम एंड वर्क। दोस्तों, टाइम एंड वर्क की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि जब टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हैं तो क्वेश्चन हमारे यहाँ क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन भी हमारे यहाँ यही बनेंगे कि कुछ काम है, उस काम को करने के लिए कुछ व्यक्तियों की हमें ज़रूरत है, तो वो व्यक्ति उस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। तुमने देखा होगा, अगर आपको ये पता करना है कि भाई कार्य को तो कितना समय लगेगा, तो सबसे पहले तो वर्क ही पता होना चाहिए दोस्तों कि भाई हमारा काम कितना है। वर्क के बाद हमें स्पीड पता होनी चाहिए। वर्क के बाद हमें दोस्तों क्या पता होनी चाहिए? स्पीड, जो भी लोग काम करेंगे। और तब हम तीसरी चीज़ का जवाब दे पाएंगे कि उस काम को करने में समय कितना लगेगा। ठीक है, जितने भी आज सवाल हम पढ़ेंगे ज़्यादातर में ये टाइम पूछा जाएगा, बट अगर हमें इसे निकालना है तो दोस्तों क्या पता होना चाहिए कि वर्क कितना है, और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी स्पीड क्या है। क्या चीज़ें पता होनी चाहिए मेरे भाइयों सभी को? कि वर्क क्या है और जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों की स्पीड क्या है। क्लियर है? जब भी टाइम एंड वर्क का कोई भी सवाल आपके सामने आता है, कैसा भी हो चाहे वो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें आप दो चीजों को ध्यान रखना। आपका जो सवाल के ऊपर सोचने का डायरेक्शन है वो क्या होना चाहिए? वो यही होना चाहिए कि भाई वर्क क्या है और जो लोग काम कर रहे हैं उनकी स्पीड। वर्क स्पीड, वर्क स्पीड, हर क्वेश्चन हल हो जाएगा, क्योंकि काम ही तो करना है, सवाल तो कुछ है ही नहीं मैथ का हल करने के लिए, हमें सिर्फ क्या करना है? काम करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के कंसेप्ट को, टाइम एंड वर्क। तो तैयार हो जाइए आप सभी लोग। प्रवेश शर्मा, ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? बिल्कुल भाई, कॉल कर लेना, मैं कॉल पे जानकारी दे दूंगा, स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। आरती गुड इवनिंग, मेगा सहरावत 20 को है CHSL का एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक। पूजा सिंह गुड इवनिंग। चलिए भाई, आइए दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रिंसी जी नमस्ते, बिल्कुल, कैसे हो? देखिए भाई, वो कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में, जबकि बी अकेला उसे 12 दिन में पूरा करता है, ए और बी दोनों मिलकर करें तब कितने दिन में पूरा होगा? दोस्तों समझना, बड़ा अच्छा सवाल है। ए अकेला है किसी काम को 12 दिन में पूरा, 6 दिन में पूरा करता है,
और मेरे भाइयों बी जो है वो अकेला उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में। पूछ रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या पूछ रहा है मेरे भाइयों, कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो भाई, ए 6 दिन में करता है कोई काम है, बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। वही काम अगर हम बोल दें कि भाई दोनों भाई मिलकर करो, तब कितना समय लगेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि यार काम क्या है। तो कुछ भी काम मान लो, मान लिया कुर्सी बनाने का काम है या पकौड़े तलने का काम है। प्रधानमंत्री जी रोजगार दे रहे हैं पकौड़े तलने का, तो वही मान लेते हैं कि पकौड़े ही तलने हैं। ये कुछ पकौड़ों को 6 दिन में तलेगा और ये कुछ पकौड़ों को 12 दिन में। तो बात आ गई पकौड़े कितने हैं। तो मेरे भाई पकौड़े आप जितने मर्जी मान सकते हो, बस खाना मत है। तो पकौड़ों की जो संख्या है, कुछ भी मान लो जो दिल करे, पर देखो दिल की ज्यादा ना सुना करो, क्योंकि दिल की ज्यादा सुनने वाले लोग परेशान होते हैं, दिमाग की सुनने वाले सक्सेस होते हैं, है ना। दिल की सुनने वाले परेशान होते हैं और दिमाग की सुनने वाले क्या होते हैं, सक्सेस होते हैं। तो देखो जो ये समय है, इससे भाग होने वाला कोई नंबर मान लो। हम जो वर्क मानेंगे मेरे भाइयों, क्या मानेंगे, जो भी समय है उससे भाग होने वाला नंबर। अब 6 और 12 से भाग होने वाला नंबर सबसे छोटा क्या भाई, 12 है। उसके बाद 24 भी है, उसके बाद 36 भी है, बहुत सारे हैं। बात आ गई, ऐसे तो कहां तक मानते रहेंगे। तो याद करो, पकौड़े या काम जितना कम हो उतना अच्छा लगता है, ज्यादा काम करना किसी को पसंद नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो इसलिए भाग होने वाला सबसे छोटा नंबर वर्क मान लेना। क्या मानोगे मेरे भाई, वर्क भाग होने वाला सबसे छोटा नंबर। हम ये कह सकते हैं कि 12 पकौड़े तलने हैं या 12 कुर्सियां बनानी है, ये 6 दिन में 12 कुर्सी बनाता है मेरे भाई। कितने दिन में बनाता है, 6 दिन में 12 कुर्सी। अगर 6 दिन में 12 कुर्सी बना रहा है तो रोज की स्पीड कितनी हो गई, 2। देखो सामने में क्या लिख रहा हूं मेरे भाई, स्पीड क्या लिख रहा हूं, स्पीड। ये 12 दिन में 12 कुर्सी बनाता है तो रोज की स्पीड क्या हो गई इसकी, 1 कुर्सी की। देखो ए डेली 2 कुर्सियां बनाता है और बी डेली कितनी बनाता है, 1। वो कह रहा है दोनों मिलकर बताओ कितने दिन में करेंगे। दोस्तों 12 काम करना है, 12 कुर्सियां बनानी है, दोनों आएंगे तो रोज की कितनी बनाएंगे, 2+1 यानी कि 3। तो मेरे भाइयों 3 के हिसाब से 12 कुर्सियां कितने दिन में बन जाएंगी, 4 दिन में। 3 के हिसाब से 12 कुर्सियां कितने दिन में बन जाएंगी मेरे भाई, 4 दिन में। क्लियर है, चलिए 4 डेज। हाँ, 2019 की करंट आ रही है बिल्कुल CHSL में, तो 2019 की स्पीडी लेके पढ़ लो, फायदे में रहोगे, बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाई सभी को क्वेश्चन, चलो आगे आइए। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी करेंगे, समझना मेरे भाई, ठीक है। क्या है वो तरीका, क्यों है वो तरीका, कैसा है वो तरीका, आ जाओ। ए 6 दिन में, बी 12 दिन में, दोनों मिलाकर, जब भी दोनों का मिलाकर समय पूछे तो ऊपर गुना नीचे प्लस कर लो। क्या करना है मेरे भाई, जब भी दो व्यक्तियों का स्कोर, किसी पे नहीं चलेगा, सिर्फ किस पे चलेगा, 2 पे। जब भी दो व्यक्तियों का मिलाकर समय पूछे तो मेरे भाई क्या करना है, ऊपर गुना नीचे प्लस। क्या करना है, ऊपर गुना और नीचे प्लस। जब भी दो व्यक्तियों का मिलाकर समय पूछा जाए, ऊपर गुणा नीचे प्लस। क्लियर है, गुणा और प्लस किसका, उनके द्वारा लिए गए समय का। तो ये 6 12 दोनों को जोड़ूंगा तो 6+12 क्या होगा, 18। 6 से काटोगे 18 को 3, और 3 से काटोगे 12 को तो 4 दिन। आंसर कितना आ गया मेरे भाई, 4 दिन। कितने दिन आया भाइयों, 4 दिन। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। नहीं, यही रहने दो ना, वो तो पहले वाला कराया था मैंने। चलिए अभी जो तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करो इसी पैटर्न के हिसाब से। किस पैटर्न के हिसाब से करना मेरे भाई, इसी पैटर्न के हिसाब से। और देखो क्या बेहतरीन सवाल है,
फटाफट कमेंट करके बताओ भाई। वीजी 12, ज्योति त्यागी 12, बिल्कुल आरती किचन 12, ये चार पांच ही बच्चे क्यों हैं जो देते हैं सवाल का आंसर? सारे के सारे बच्चे काहे नहीं देते हैं आंसर बे? पगलाए गए हो का? प्रणव धीरान 12, गुड। मेघा शरावत 12, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। कैसे बा? देखो मेरे भाई, ए ले रहा है काम के लिए 20 दिन, बी ले रहा है 30 दिन, दोनों का मिलाकर निकालना है तो 20 गुना 30 और दोनों का योग 50, 0 से 0 कट गया, 5 से 4, 4 गुना 3 करेंगे 12 दिन। मेरा आंसर कितना आंसर आ गया मेरे भाइयों? 12 दिन, 12 डेज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या होने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पबजी केशव, अरे वाह बड़ा बेहतरीन आइडिया भाई। जो लोग भी CHSL का एग्जाम दे रहे हैं वो क्वेश्चंस मेरे व्हाट्सएप, फर्स्ट वाला नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है उस पर व्हाट्सएप है, और उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दिया करो क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपकी जिम्मेवारी है सबकी। चलिए भाई करिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन के लिए, इट्स क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस सेशन के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन। देखिए क्या आता है, ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी कंप्लीट द वर्क? कितने? 6 दिन। बड़ा आसान सा सवाल यार, बड़ा आसान है। देखो ये 10 दिन ले रहा है, ये 15 ले रहा है, क्या करना है यार? 10 गुना 15, दोनों का योग 25, 5 से 3, 5 से 5, 5 से 2, 3 गुना 2 करोगे क्या आंसर बनेगा मेरे भाई? 6 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट। सुरेंद्र शर्मा 6 दिन, गुड भाई। देखिए अब अगला सवाल, देखो दोस्तों वो कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं, समझना मेरे भाई। अच्छा सवाल, देखो ए किसी बी और ए प्लस बी, कह रहा है ए प्लस बी मिलाकर टी दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला उस काम को टी प्लस 3 दिन में, और बी अकेला उस काम को टी प्लस 12 दिन में। ठीक है, बी अकेला कितने दिन में करता है? टी प्लस 12 दिन। दोस्तों सवाल क्या है अच्छे से समझना है फिर हल करेंगे। देखो ए अकेला किसी काम को टी प्लस 3 दिन में, बी अकेला टी प्लस 12 दिन में, और ए और बी दोनों मिलकर टी दिन में। सवाल को अगर आसान भाषा में समझना है तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी को काम करने में जितना भी समय लगता है, ए और बी को काम करने में जितना भी समय लगता है, उस समय से ए 3 दिन ज्यादा ले रहा है और बी 12 दिन। तो टी की वैल्यू आपसे पूछी है, यानी कि दोनों का मिलाकर समय पूछा है। तो दोस्तों एक बात बताओ, दोनों का मिलाकर समय निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऊपर गुणा नीचे प्लस। क्या यूज करते हैं भाइयों? ऊपर गुणा नीचे प्लस। तो जब गुणा करेंगे
तो गुना में मेरे भाई क्या बनेगा, समझना सवाल, t प्लस थ्री इंटू टी प्लस ट्वेल्व अपॉन टी प्लस थ्री प्लस टी प्लस ट्वेल्व, ये दोनों का मिलाकर समय आ जाएगा और ये बराबर होगा किसके, t के। ये किसके बराबर होगा मेरे भाइयों, t के। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, t की गुना t में होगी तो t स्क्वायर प्लस t की गुना 12 में होगी तो 12t प्लस 3 की गुना t में होगी तो 3t प्लस 3 की गुना 12 में होगी तो 12 × 36 क्या बन गया, क्वेश्चन हटा दो एक बार, 36 बराबर ये 2t बन जाएगा। जब इसकी गुना किस इसमें होगी तो क्या बनेगा दोस्तों, 2t स्क्वायर प्लस 15t, 2t स्क्वायर प्लस 15t। देखो 15t से ये 15t कैंसिल आउट हो गया, 2t स्क्वायर में से 1t स्क्वायर जाएगा तो t स्क्वायर बनेगा और t स्क्वायर बराबर क्या है, 36। स्क्वायर काट के रूट लेंगे तो मेरे भाइयों t बराबर क्या आ गया, 6। हमने t का समय निकाला था और t का ही निकालना था तो वो कितने दिन आ गया मेरे भाई, 6 दिन। ठीक है, t से हम यूज कर सकते हैं, 6 + 3। अगर a का भी समय निकालना है तो आगे हल कर सकते हैं कि a का समय क्या होगा, 6 + 3 यानी कि 9 दिन, और b का भी निकालना हो तो b का क्या होगा, 6 + 12 यानी कि 18 दिन। तो मेरे भाइयों a को लगेंगे 9 दिन और b को लगेंगे 18 दिन, a को 9 और b को 18 किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, चलिए, कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों यहां तक, क्लियर है, अभी क्वेश्चन मत लगाओ, इसी अभी मत, इसी को मैं दूसरे, अभी मत लगाओ यार, एक इस कान में से लीड निकाल के उसमें लगा लिया करो, क्वेश्चन अभी हटा दो बस, अभी इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से और आपको कराऊंगा। ठीक है, तो समझिएगा सब लोग। सचिन गुड इवनिंग भाई, बहुत लेट है आज तो, है आइए दोस्तों देखो, एक कंसेप्ट समझाऊंगा मेरे भाई, थोड़ा सा समझना, जैसे इससे पहले वाले सवालों में था, समझना, इस सवाल को थोड़ा सा हटा के आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ये भी समझ आएगा कि एक्चुअल में ये वाला सवाल निकला पिछले सवालों में से ही। ठीक है भाई, जैसे मान लो ये लेता है 10 और ये 15, तो इसका कितने आए थे, 6, यानी कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, दोनों मिलाकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। अब मेरे भाई अगर मैं देखना चाहूं दोनों मिलाकर 6 दिन में कर रहे हैं तो ए अकेला 6 से कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 4 दिन, बी अकेला कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 9 दिन। समझना मेरे भाई, रिजल्ट बहुत शानदार रिजल्ट निकलेगा, दोनों को मिलाकर जो भी समय लग रहा है, दोनों को मिलाकर जो भी समय लग रहा है, ए अकेला उससे कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 4 दिन, और बी अकेला उससे कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 9 दिन। ए अकेला कितने दिन ज्यादा ले रहा है, 4 दिन, और बी अकेला 9 दिन। अच्छा, जो भी ये ज्यादा दिन है जरा इनकी गुना करना तो 9 × 36 आएगा, और मेरे भाई इसका जो स्क्वायर रूट है वो यही बनेगा या नहीं बनेगा, यहीं से रिजल्ट आ गया कि जितने भी दिन ज्यादा लगेंगे उसका गुणनफल एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, दोनों को मिलाकर उन्हें जितना भी समय लगता है, दोनों को मिलाकर उन्हें जितना भी समय लगता है। तो देखो इतना जाने की जरूरत नहीं है, सेकंडों में हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे भाइयों। ठीक है, आइए, ए को लगा था टी प्लस 3, बी को है टी प्लस 12 और इनका 30। आ जाओ भाई,
तो अब यहां टी की जो वैल्यू निकालूंगा, देखो जरा यहां कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 3 दिन, और यहां कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 12 दिन। तो 3 गुना 12 करूंगा तो 36 आएगा, और 36 का वर्गमूल कितना होगा मेरे भाई, 6। 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6 दिन। इसे एक्स्ट्रा 3 लगा, इसे एक्स्ट्रा 12 लगा, 12 गुना 3 कितना हो गया, 36, और 36 का वर्गमूल क्या आ गया, 6। आ गई टी की वैल्यू, आप किसी का पूछ ले, ए पूछे टी प्लस 3 यानी कि 9, दूसरा पूछे तो 6 प्लस 9 कर लोगे। चलिए वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कभी भी करोगे तो मेरे भाई इसी तरीके से करना है, इसी पैटर्न से करना है, ठीक है। अब देखो कितना शानदार, कितना आसान, कितना बेहतरीन तरीका आ गया। कैसे कटे ये दिन, कैसे कटे रो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारे लिए अभी क्वेश्चन क्या है। इसे रहने दो, एक क्वेश्चन अलग से कराना है मैं खुद, इस सवाल को हटा दो। हटा दिया, हटाओ। अरे नहीं अभी हटा दो भाई, दूसरा भी नहीं कराना अभी। चलिए भाई, तो दोस्तों मैं तुम्हें अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी पैटर्न का आपको खुद से हल करना है, ठीक है। ए बी और ए प्लस बी, ये एक्स दिन में इसको लगेगा एक्स प्लस 12 है, और इसको लगेगा एक्स प्लस 9 मान लो और इसके 4 मान लो। निकालो मेरे भाइयों एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करिए क्या आती है, कैसे कटे दिन। करिए भाई जल्दी से, पूरा सवाल तो लिख लेने दो। छह दिन, वेरी गुड। एक सवाल अलग से लिख रहा हूं, समझिएगा। एक्स किसी कार्य को वाई से पांच दिन अधिक तथा जेड से 9 दिन, जेड से 9 दिन अधिक में पूरा करता है, जेड से 9 दिन अधिक में पूरा करता है। एक्स प्लस वाई कार्य को पूरा करने में, कार्य को पूरा करने में जेड के बराबर समय, जेड के बराबर समय लेते हैं। समझना मेरे भाई, एक्स और वाई जेड के बराबर समय लेते हैं
एक्स का समय ज्ञात कीजिए। देखो भाई बड़ा बेहतरीन सवाल है, इसी कैटेगरी में और भी आगे बढ़ने वाला सवाल है और बड़ा जबरदस्त सवाल है, ठीक है, बड़ा ही बढ़िया सवाल है, पढ़ के देखो कि यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत शानदार सवाल है। अच्छा जो कंसेप्ट चल रहा है उसी से कनेक्ट भी है, तो सोच के देखो यार उससे कनेक्ट ये कैसे है, ठीक है भाइयों। आई मैं कराता हूं ध्यान से समझना। वो ये कह रहा है कि यहां पर तीन लोग हैं एक्स वाई और जेड। जो ये एक्स है ये इस वाई से 5 दिन ज्यादा लेता है। एक्स जो है वाई से कितने दिन ज्यादा लेता है मेरे भाई, 5 दिन। एक्स जो है वाई से कितने दिन ज्यादा लेता है मेरे भाई, 5 दिन, और जेड से 9 दिन। अच्छा जेड से एक्स कितने दिन एक्स्ट्रा ले रहा है मेरे भाइयों, 9 दिन। कितने दिन, 9 दिन। आइए पहले यही क्वेश्चन बनाते हैं। मैंने मान लिया जेड किसी काम को टी दिनों में करेगा, तो जब ये टी दिनों में करेगा तो एक्स इससे 9 दिन ज्यादा लेगा। एक्स इससे 9 दिन ज्यादा लेगा तो एक्स कितने दिन लेगा, टी प्लस 9। एक्स इससे ज्यादा लेगा तो एक्स कितना लेगा, टी प्लस 9। कितना समय लेगा मेरे भाई, एक्स टी प्लस 9। आइए अब ये जो एक्स का समय है वाई से 5 दिन ज्यादा है, तो बदले में वाई एक्स से 5 दिन कम होगा। वाई एक्स से कितना कम होगा, 5। 9 में से 5 गए तो इसका समय क्या होगा, टी प्लस 4। कितना, टी प्लस 4। अब एक चीज मेरे भाई समझना, काश ये जो समय है टी ए जेड का ना होकर ये समय एक्स प्लस वाई दोनों का मिलाकर होता, तो मेरे भाई सवाल कितना शानदार था मेरे लिए कि दोनों मिलाकर टी दिन, और ये अकेला करता है तो 4 दिन ज्यादा और ये अकेला करता है तो 9 दिन ज्यादा। बन गया ना इससे पहले वाले सवाल, टी की वैल्यू निकालनी पॉसिबल थी नहीं थी, पर अफसोस कि ये जो टी समय है ये किसका है, जेड का है। किसका है, जेड का है। बट साथ साथ यहां एक लाइन जोड़ दी और इस लाइन की वजह से सवाल मेरा पहले की तरह बन गया। क्या कह रहा है कि एक्स और वाई उतने ही समय में कार्य को करते मिलकर जितने समय में जेड अकेला करता है, तो इस टी जो समय है चाहे जेड का बोल दो या एक्स प्लस वाई का बोल दो, दोनों बातें सेम हैं। क्या टी की वैल्यू पॉसिबल है मेरे भाई, बिल्कुल पॉसिबल है। 9 × 4 = 36 और 36 का वर्गमूल 6, तो टी का समय 6 दिन, वाई का समय 10 दिन और एक्स का समय 15 दिन। समय पूछ रहा है एक्स का, तो आंसर भी कितना होगा, 15 दिन। कितना होगा मेरे भाइयों, 15 दिन। बोलो समझ आया, कहो हाँ। प्रणव 10 दिन, नहीं भाई 10 नहीं आएगा। कैसे कटे ये दिन, कैसे कटे रातें, अमित प्रणाम भाई कैसा है तू, आरती सर एक बार और, बिल्कुल आरती जी देखिए, जेड का समय मैंने टी माना था तो इससे 9 दिन ज्यादा एक्स ने लिए तो एक्स का समय टी प्लस 9। अच्छा जो एक्स का समय वाई से 5 दिन ज्यादा है तो बदले में वाई का समय 5 दिन कम होगा, तो इससे 5 दिन कम आएगा तो कितना आएगा मेरे भाई, टी प्लस 4। कितना आएगा, टी प्लस 4।
अब जेड का जो समय है वही समय एक्स और वाई का है, तो बन गया मेरा सवाल वही एक्स्ट्रा समय की मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, कितना टाइमिंग की होगी देखना। ठीक है चलने देंगे, लगाओ क्वेश्चन। तो क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए मैं रफ करता हूं अब। बड़ा बेहतरीन सवाल था ये, ध्यान रखना भाई, वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, तो आते हैं अपने सवालों पर। देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए करेगा किसी कार्य को 12 दिन में, और ए और बी, ए और बी दोनों मिलाकर करेंगे उस काम को 8 दिन में। ए करेगा किसी काम को कितने दिन में दोस्तों? 12 दिन में। और ए और बी दोनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे मेरे भाई? 8 दिन में। ए 12 दिन में और दोनों मिलाकर कितने दिन में? 8 दिन में। ठीक है, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, कैसा भी सवाल हो दुनिया का, सबसे पहले ये ढूंढ लेना वर्क कितना है। तो 8 और 12 से भाग होने वाला नंबर मेरे भाई 24, यानी कि इनको कितनी कुर्सियां बनानी है मेरे भाइयों? 24। अब स्पीड 12 से, स्पीड हम इधर लिखेंगे, 12 दूनी 24 और 8 किया 24। अब मेरे भाई जो दो स्पीड है वो किसकी है? ए की है, यानी कि ए डेली की दो कुर्सियां बनाता है। जब ए और बी दोनों काम करते हैं तो एक दिन में कितनी बनती है? 3। तो मेरे भाई 3 में से 2 तो ए की ही है, तो बी की कितनी बची? 1 कुर्सी। मिल गई बी की स्पीड। भाई बी की स्पीड क्या है पर डे की? 1 कुर्सी बनाने की। सवाल कह रहा है कि सारा काम बी से कराना है भाई, कि कोई नहीं करेगा काम, ये ही करेगा। तुमने देखा होगा घर परिवार में कभी तुम फेल वेल हो जाते होगे तो घर वाले ही कहते होगे कोई काम नहीं करेगा, सबका काम ये अकेला करेगा, निकम्मा नालायक पड़ता नहीं है ना। तो बी अकेले को 24 कुर्सियां बनानी है, किस स्पीड से? रोज की 1 है, तो मजदूरी बेचारा कितने दिन करेगा? 24 डेज। कितने दिन में कर देगा? 24 दिनों में। 24, वेरी गुड भाई। कितने दिन में करेगा भाई? 24 दिनों में। कैसे कटे अब दिन, कैसे कटे? चलो भाई आगे आइए और देखते हैं बेहतरीन चीज है, इसी पे ही समझेंगे, अभी मत चेंज करना, इसी को ही समझेंगे एक और तरीके से। देखो वो तरीका का है बबुआ, जरा अजमाए के देख लेना, ऊपर गुणा नीचे माइनस। पर कब करेंगे ऊपर गुणा नीचे माइनस? जब दो लोगों में से किसी एक का काम निकालना हो, दो में से किसी एक का, बहुत सारे में से एक नहीं, सिर्फ दो में से एक का समय निकालना हो तो ऊपर गुणा नीचे माइनस का। समझे बबुआ? समझ गए हो का? दो में से एक का समय निकालना है तो ऊपर गुणा नीचे माइनस। जे कर देते हैं ऊपर गुना नीचे माइनस का, कह रहे हो लड्डू के भैया 12 गुना 8 घटा के आया 4, 4 तिया 12, 8 तिया 24। आंसर वही आवेगा कितना? जे 24 आएगा लल्ला। लाइक और डिसलाइक पब्लिकली में जायज है, इतना ना घबराओ, हो सकता होगा हमरा सकल पसंद ना आया हो बबुआ को। चलिए क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से करिएगा। जे फ्री बाय एजुकेशन मिल रहा है ना, तो इसलिए पसंद नहीं आता है कभी कभी किसी लोगों को।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन करके दिखाइए फटाफट से। कितना आया है? 60 दिन लग रहा है मेरे को। बिल्कुल 60 दिन ही आंसर आएगा, बिल्कुल 60 दिन। इसका मतलब तुम्हारा नेट तेज है, हमारा नेट स्लो है। 60 दिन भाई। देखिएगा, ए कर रहा था सवाल को कितने दिनों में, 30 दिन में, ए और बी 20 दिन में। निकाल देते हैं 30 गुना 20 बटे 10, 0 से 0, 30 दूनी 60, कितने दिन भाई, 60 दिन। क्लियर है? तो दोस्तों देखो, आज हमने इस क्लास में तीन कंसेप्ट पढ़े हैं। कौन कौन से? देखो क्वेश्चन हटा दो, ऊपर गुणा नीचे प्लस एक्स इंटू वाई और ऊपर गुणा नीचे माइनस। ये कब चलेगा? जब दो लोगों का मिलाकर समय निकालना हो। ये कब चलेगा? दो लोगों का मिलाकर समय निकालना हो, बट जहां एक्स्ट्रा समय दिया हो। एंड लास्ट वन ऊपर गुणा नीचे माइनस कब चलेगा? जब मेरे भाई दो में से किसी एक का समय निकालना हो। कब चलेगा? जब दो में से किसी एक का समय निकालना हो। तो क्लियर है सभी को यहां तक? कोई डाउट? चलिए तो यहां से आगे अब बड़े सवालों पे नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, सब्बा खैर, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।